शिल्पा, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ दादी। कहाँ जाओगी? दादी, कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह होगी जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, और ये मेरा फैसला सही है दादी। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, अपने इरादे इतने मजबूत करना चाहती हूँ कि कोई उन्हें बदल ना सके। मैं ठीक कर रही हूँ ना दादी? कैसी हो कृपा? पृथ्वी, तुम क्या हुआ? What's wrong? क्या बात है कृपा? और ये तुम बैग लेके कहाँ जा रही हो? दादी, आखिर बात क्या, ये बता क्यों नहीं रही? What's wrong? दादी, आप प्लीज मुझे बताइए। I'm very sorry. मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इतना सब होने के बाद और तुम बिल्कुल अकेली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज पृथ्वी, तुम सॉरी मत कहो। तुम खुद को जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? अरे तुम तो अकेले थे जो हमेशा मेरे साथ थे। तुमने और दादी ने ही तो मुझे जीने का हौसला दिया है। लेकिन कृपा, तुम बताओ, तुमने आगे का क्या सोचा है? कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी। कहीं भी? इस बात का क्या मतलब है? कृपा, हम लोगों के होते हुए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और तुम कहीं और नहीं, मेरे साथ रहोगे। नहीं पृथ्वी, मैं जानती हूँ दामिनी आंटी और मिष्टी मुझे पसंद नहीं करते। प्लीज तुम मेरी वजह से और परेशानी मत मोल लो। कृपा, तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें मॉम के घर ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने की बात कर रहा हूँ। मैं मॉम के साथ नहीं रहता, मैंने अपना अलग सा घर ले लिया है, और तुम मेरे साथ वहीं रहोगी। नहीं पृथ्वी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन क्यों कृपा, तुम क्यों मेरे साथ नहीं रह सकती? सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? इतना नेगेटिव मत सोचो कृपा। कृपा, पृथ्वी ठीक कहता है, तुम जो काम करने जा रही हो अकेले नहीं कर पाओगी। तुम्हें जरूरत पड़ेगी ऐसे दोस्त की जो तुम्हें सहारा दे सके। बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम कभी मेरे घर से जाओ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, इसलिए तुम्हारा पृथ्वी के साथ जाना ठीक रहेगा। और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे मन को शांति मिलेगी। और फिर फिकर क्यों करती हो? मैं हिलू को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ ना। लेकिन दादी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं ना नहीं सुनूंगी। तुम दोनों का ध्यान रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। चले। दादी, थैंक्स अ लॉट। बस बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करो। बस एक बात याद रखना, ये घर और इसके दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तो ये रहा तुम्हारा नया घर।
पृथ्वी, समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूं। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। तुम गलत सोच रही हो कृपा। जो तुम मुझे दे रही हो वो तुम महसूस नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता हूँ और तुम्हें उसे खुशी होती है, तो मुझे तुम्हें कुछ देकर बहुत खुशी होती है। तुम्हें थोड़ा कुछ देकर मैं बहुत सारा कुछ पा लेता हूँ। सो नेचुरली इसमें फायदा मेरा ही है। बट प्लीज डोंट बी जेलस। ओके, अब तुम जाके फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं डिनर का अरेंजमेंट करता हूँ। ऑलराइट? हेलो हेलो कृपा। मामा कृपा, मेरा बच्चा कहाँ हो बेटा? तू कैसी हो बेटा? मामा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ मामा, आप कुछ बोल नहीं रही? कुछ कहिए ना मामा, क्या हुआ? बेटा तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ मामा, कुछ कहिए ना प्लीज। तुम्हारे पापा पे किसी ने गलत इल्जाम लगाया है। इल्जाम? कैसा इल्जाम मामा, बताइए ना कैसा इल्जाम? क्या हुआ पापा को? बेटा तुम्हारे पापा अभी स्कूल के ट्रेजरर बने थे और परसों यहाँ पे पता नहीं किसी ने पैसों की हेरा फेरी कर दी और सारा इल्जाम तुम्हारे पापा पे आ गया। बेटा मामा पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? बेटे तुम्हारे पापा, उनकी हालत। घर के मामले सुलझाने के लिए हमें बाहर वालों की कोई जरूरत नहीं। खबरदार उससे फिर से बात की तो। कृपा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। हेलो कृपा, कैसे हो? मैंने सुना तुमने अंगद की दादी का घर छोड़ दिया है और किसी और के टुकड़ों पर पलने के लिए उसके घर चली गई हो। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन कोई क्या कर सकता है। बाय द वे, नैनीताल में सब कैसे हैं? फोन करके पूछ लो, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नैना आंटी, आपको मेरे फैमिली के मैटर्स के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। और हाँ, आपने क्या कहा था? आप मुझे बर्बाद कर देंगी, मेरी हर चीज तबाह कर देंगी। लेकिन एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आपकी बनाई हुई हर छोटी से छोटी चीज तबाह कर दूंगी, सब कुछ। ओ, तो तुम्हें बोलना भी आता है? देखते हैं, तुम सिर्फ बोलती हो या कुछ करके भी दिखाती हो। दिखाऊंगी आंटी, जरूर दिखाऊंगी। मैं अपनी मेहनत से वो कर दिखाऊंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हेलो सर, मैं कृपा शर्मा बोल रही हूँ। जी मैं एक अपकमिंग सिंगर हूँ और मैंने म्यूजिक में ट्रेनिंग ली थी, क्लासिकल म्यूजिक में। अगर हो सके तो मैं अपनी टेप आकर आपको दे दूंगी, आप सुन लेंगे तो। क्लासिकल म्यूजिक तो ठीक है, लेकिन कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास? जी हाँ। नहीं अंगद, मुझे तुम्हारे नाम की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने म्यूजिक सोल एकेडमी ज्वाइन की थी। आई एम सॉरी मिस कृपा, आप कहीं और ट्राई कीजिए। लेकिन सर,
दादी आप ही बताइए, इसमें ब्रदर की क्या गलती है? उन्हें तो फंसाया गया है। देखो आलिया, मैंने कहा ना मुझे अंगद के बारे में और कुछ नहीं सुनना, फिर तुम क्यों बोलती जा रही? लेकिन दादी आप। बेटा तुम मुझसे मिलने आई, मैं बहुत खुश हूँ। अब प्लीज बार बार अंगद के बारे में बात मत करो। ठीक है दादी, लेकिन मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं। देखो बेटा, उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। कृपा तो अब यहाँ से चली भी गई, वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, अपनी म्यूजिक पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है। वो अंगद और अंगद से जुड़ी हर याद से दूर रहना चाहती है। राधा, मैंने दादी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि कृपा अपनी सारी पुरानी बातें भुलाकर एक नई तरह से जिंदगी शुरू करना चाहती है। इसलिए अंगद से कहो कि उससे दूर ही रहे और उसे अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करने दे। चलो, इसी बहाने उसमें काम करने की चाहत हो जाएगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो इस उम्मीद के सहारे काम में भी जरूर पाएगी। लेकिन ब्रदर, आप जानते हैं इस इंडस्ट्री में कामयाबी पाना इतना आसान नहीं है, हर चीज की कीमत होती है। The competition is really tough. मैं जानता हूँ आलिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कृपा सिर्फ एक टैलेंटेड लड़की नहीं है, एक बहुत ही जिद्दी लड़की है जो कभी हार नहीं मानेगी। And I can tell you, she will be on the top ones, for sure. पेपर वाला, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सुनो, पेपर देना। क्या हुआ? देखो, ये सब क्या है पृथ्वी? मेरी और अंगद की इतनी पुरानी एल्बम अब क्यों रिलीज हो रही है? What is this? क्या है ये? जब हम नहीं चाहते थे कि कैसेट मार्केट में आए तो ये कैसे हुआ? मैम, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। Shit. मैं नहीं चाहती थी कि अंगद और कृपा के एसोसिएशन के बारे में लोगों को पता चले। पता करो ये किसकी हरकत है। Yes, ma'am. अंगद, तुम्हें पता है तुम्हारी और कृपा की एल्बम जो डंप की थी, किसी ने उसे जानबूझकर रिलीज की है। समझ में नहीं आ रहा ये कौन कर सकता है और क्यों। तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मॉम, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती। मॉम, इट्स ओके, रिलैक्स, वो एल्बम मैंने रिलीज करवाया है। हेलो मैम, मैं देसाई बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी से। क्या मैं मिस कृपा से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं कृपा बोल रही हूँ। मैम, हम लोग मुंबई में एक बहुत बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें परफॉर्म करें। देखिए मैम, अगर आप हमारे ऑफिस आ सकती हैं तो यू नो वी कैन टॉक इन डिटेल। जी, मैं पहुँच जाऊंगी, लेकिन कॉन्सर्ट कब है? देखिए, जैसे ही मिस्टर अंगद अपनी डेट फाइनल कर देंगे, आई विल लेट यू नो। अंगद? जी हाँ मैम, आपका परफॉर्मेंस तो उन्हीं के साथ है और इस कॉन्सर्ट से आप और मिस्टर अंगद के एल्बम को भी काफी पब्लिसिटी मिलेगी। सॉरी मिस्टर देसाई, लेकिन मैं अंगद के साथ नहीं गाना चाहती। बट मैम, उनके बिना आपका शो देखेगा कौन? और फिर हमें मार्केट को भी तो देखना पड़ता है। सॉरी मिस्टर देसाई, लेकिन मैं नहीं गा पाऊंगी। सॉरी, बाय। पृथ्वी, मुझे नाम कमाना है, इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है, लेकिन ये सब मैं अंगद के दम पर नहीं करना चाहती। मैं खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, खुद कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। डोंट वरी कृपा, तुम ये सब करके दिखाओगी। हेलो,
हेलो मिस्टर अंगद, मैं देसाई बोल रहा हूँ। जैसे आपने कहा था, हमने मिस कृपा को कॉन्टेक्ट किया, लेकिन इट्स ओके, थैंक्स, बाय। क्या हुआ, कृपा गाएगी ना? तो अब क्या होगा ब्रदर? हालिया, मैं जानता था कि कृपा मना करेगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो जरूर गाएगी। लेकिन मैंने बोला ना कि वो गाएगी, इसका मतलब वो गाएगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.